देखो दोस्तों, एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया है, सवाल पूछा है कि दो गुरु जी, हम 10 साल से छोटी गाड़ी चला रहे हैं, अब बस चलाना चाहते हैं, तो क्या हम बस चला सकते हैं या नहीं चला सकते। दोस्तों, आज के वीडियो देखने के बाद ये डाउट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले दोस्तों एक काम करना है, मेरा चैनल जो है, ये जो हम निःशुल्क आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके बदले में कुछ आपसे चाहिए नहीं। छोटा सा काम आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बस सब्सक्राइब के बटन प्रेस कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, और अगर पुराने मित्र हैं, सब्सक्राइब कर लिया है, तो एक लाइक कर देंगे। ठीक है, आइए बताते हैं। देखिए, बहुत सारे जो भी बस ड्राइवर हैं, उनसे आप मिलोगे तो उसमें से 80%, मतलब 10 में से 8 ड्राइवर लोगों ने छोटी गाड़ी से ही ड्राइविंग सीखी होगी, उसके बाद बड़ी गाड़ी पर गए होंगे। ये मैं आपको 100% बताता हूँ। आप देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ जितने भी बस ड्राइवर हैं, उसमें से अधिकांश ड्राइवरों ने छोटी गाड़ी से ही शुरुआत किया है, उसके बाद सीधा, उसके बाद बस चलाना चालू किए हैं, ना। तो देखिए, जब हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, तो हमको छोटी बड़ी सब गाड़ी की नॉलेज भी होती जाती है और चलाते भी हैं। तो यही छोटी गाड़ी के ड्राइवर चलाते चलाते बस चलाने लगते हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपको 3-4 पॉइंट है, मैं बताता हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे तो आसानी के साथ आप बस ड्राइव करने लगेंगे। ठीक है, बस ड्राइव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि बस के फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हमको गियर सिस्टम से लेकर के क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग, बटन, पावर ऑन ऑफ, कट, जो भी है, टोटल फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे होगी, तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हमने बस के सारे फंक्शन के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, जानकारी दी हुई है। आप जाकर चैनल पे, जहाँ मेरा नाम शो कर रहा है इस चैनल का, वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे वीडियो में जाएंगे, वीडियो का ऑप्शन शो करेगा, तो वीडियो देखेंगे तो नीचे बहुत सारे ड्राइविंग संबंधी, नॉलेज संबंधी वीडियो हमने बनाकर दिए हैं, उसमें से आप नॉलेज ले सकते हैं। अलग अलग गाड़ियों का, टाटा का, आयसर का, सबका हमने बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप नॉलेज पक्की कर लीजिए। और जैसा हमने वीडियो बनाया वैसा जाकर के आप देखेंगे, तो ओरिजिनल में भी आपको वैसे ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा, एकदम सही तरीके से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से नॉलेज बढ़ाइए। पहली बात कि हमको पूरे फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको जजमेंट, ठीक है, छोटी गाड़ी का जजमेंट, बीच में हम रहते हैं, आगे चक्का रहता है, पीछे चक्का रहता है, ठीक है, बीच में हम रहते हैं, छोटी थोड़ी जगह चाहिए उसके लिए, टर्निंग के लिए, चलने के लिए, पासिंग करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। और बड़ी गाड़ी में ये सब कुछ हमको बड़े स्तर पे करना होगा। ठीक है, जजमेंट हमको बड़ा चाहिए, चौड़ाई भी बड़ी चाहिए, लंबाई भी बड़ी होती है। अगर हम टर्निंग में विशेष ध्यान रखेंगे, अगर टर्निंग में ध्यान नहीं रखेंगे तो पिछला चक्का हमारा कूद जाएगा, लड़ जाएगा कहीं भी, इसलिए जजमेंट का पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि मिरर में देखकर आप चलाइए, चाहे छोटी गाड़ी चला रहे हो चाहे बड़ी गाड़ी, जब हम गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो मिरर में देख करके, जो हमारे RPM लगे हुए हैं, इसी में देख करके आप बैक करिए, इसी में देख करके जजमेंट लीजिए कि हमारी गाड़ी कितने से निकल रही है। RPM देखना आपको आने लगेगा, तो आपका बस का जजमेंट एकदम आसानी के साथ आपको आने लगेगा। जजमेंट RPM पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा RPM देख करके गाड़ी चलाते हो। बाइक करते वक्त आप RPM देख करके चलाइए, जो हमारे बगल बगल शीशे लगे हुए हैं उसमें देख करके, ध्यान देकर तब बाइक करिए। बहुत से ड्राइवर देखे होंगे अपने सर निकाल के पीछे बाइक करते हैं, वो गलत तरीका है। आप कहीं सिटी में जाएंगे तो आप सर निकाल कर बाइक नहीं कर सकते, नहीं तो आपको ड्राइविंग में फेल कर दिया जाएगा। आपको RPM देख कर ही बाइक करना है। इस तरीके छोटी गाड़ी भी चला रहे हैं तो RPM देख कर बाइक करना सीखिए। ठीक है, RPM देख कर बाइक कर रहे हैं तो बड़ी गाड़ी में ही आपको आने लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि ब्रेक का विशेष ध्यान रखना है, कि ये गाड़ी पूरी प्रेशर पर होती है। ठीक है, प्रेशर कितना है कितना नहीं, प्रेशर जब 5 के नीचे रहेगा तो गाड़ी हमारी नहीं ऑपरेट होगी, प्रेशर हमारा 6 के पहुंच जाएगा, 6 के ऊपर रहेगा तब बस हमारी चलेगी। ये विशेष प्रेशर का ध्यान रखना होता है। और भी बहुत सारी नॉलेज है, जैसे टायर में कितनी हवा चाहिए, 100 पॉइंट हवा टायर में होनी चाहिए, और वो कैसे चेक करेंगे, पंचर है कि नहीं है, हाथ मार के कैसे चेक करें, ये भी वीडियो हमने डाला हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं पूरी जानकारी। ठीक है, इसी तरह से आप नॉलेज जितनी ज़्यादा कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आ जाएगा, शुरुआत में सबका दिल दहलता है, जब छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी जाते हैं सबकी धड़कन बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, जब शुरुआत में आप चला रहे हैं बड़ी गाड़ी, तो हमेशा 2 नंबर डाल करके धीरे धीरे आपको चलाना है।
गाड़ी शुरुआत में आपको भगाई नहीं, जैसे चार पहिया आप भगाते हैं उसे बड़ी गाड़ी को शुरुआत में आप पहले फंक्शन समझिए, जब समझ में आपको पूरी तरीके से आने लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप रेस में चलाइए। यानी शुरुआत में एकदम अंडर कंट्रोल होकर के गाड़ी आप चलाइए, अंडर कंट्रोल होकर अगर चलाते रहेंगे तो गाड़ी आपकी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, धीरे धीरे आपको जजमेंट भी आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही कुछ पॉइंट है, आसानी के साथ आप फॉलो करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी बस चलाने लगे हैं, बस चलाना सीख गए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए, उसका वीडियो बनाकर जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।